वेल, अगर कण कण में भगवान है तो फिर हम क्या जब पैर रखते हैं तो क्या भगवान पे पैर रख रहे हैं और अपराध कर रहे हैं? क्योंकि मिट्टी में भी भगवान है, चप्पल में भी भगवान है, फिर तो आप पैरों पे चप्पल पहन रहे हो तो भगवान को पहन रहे हो। एक मैं पटियाला में गया तो पटियाला में एक बंदा ये लॉजिक दे रहा था कि यार चप्पल पहनी, चप्पल में भगवान है, आप अपराध कर रहे हो। और इस ये लॉजिक जो है, वृंदावन में आप जाओगे तो वृंदावन में राधा रमन मंदिर जब जाओगे तो जाने से पहले एक बहुत बड़ा मंदिर आएगा मोड़ पे, तो वहाँ पे एक राजा था, तो राजा के माइंड में ये पॉइंट घुसा था, तो इसलिए वो टॉयलेट ज़मीन पे नहीं करता था, कहता है ज़मीन पे गिरेगी तो भगवान है वहाँ पे, तो इसलिए। और स्पेशली वृंदावन की भूमि तो स्वयं भगवान ही कही जाती है, तो वृंदावन टॉयलेट नहीं करता था, उसको पैकेट में बंद करके फिर आगरा भेजता था। ऐसा भी होता, अब वो उसका मंदिर भी है वहाँ पर। बट अब चक्कर यह है कि हमारे गोस्वामी तो वृंदावन टॉयलेट करते ही थे, महाप्रभु वृंदावन विजिट किए, वो उन्होंने वृंदावन में की, अब ये पता नहीं कहाँ से आइडिया लेके आए। तो हाँ, हर कण कण में भगवान है, वो तो चलो हमें पता ही है, मगर इसका मतलब नहीं है कि हम लोग पैर रख रहे हैं तो अपराध हो रहा है। क्योंकि चक्कर ये है कि हर कण कण में भगवान है, मगर वो भगवान अपने ओरिजिनल स्वरूप में नहीं है, वो भगवान का एक जो अंग के प्रकाश है उस रूप में फैले हुए हैं, प्रकाश रूप में हर जगह है, पर्सनल रूप में हर जगह नहीं है भगवान। उसको कहते हैं ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति शब्द थे, पर्सनल थोड़े ना, पर्सनल का है वो, तो प्रकाश के रूप में हर का आधार है, ब्रह्मनो ही प्रतिष्ठा हम, उस रूप में है। तो इसलिए ये कहना होगा आप पैर रख रहे हो, अपराध हो रहा है, ऐसे तो कोई लॉजिक बनता नहीं। और वैसे भी हर कण कण में भगवान है, इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि हर चीज़ भगवान के कंट्रोल में, ये भी कुछ आचार्य लिखते हैं, हर चीज़ भगवान मेंटेन कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और भगवान की प्रॉपर्टी है वो, इसलिए हम हाँ बोला जाता है हर कण कण में भगवान है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है पैर रखने में। एक तो ये लॉजिक है। दूसरा, शिला प्रभुपाद एक बार बीच पे जा रहे थे, प्रभुपाद से पूछा था, प्रभुपाद हर कण कण में भगवान है तो पैर रख रहे, प्रणाम अपराध हो रहा है, प्रभुपाद कह रहे हैं इसीलिए हम कहते हैं भक्ति करो, आप भक्ति नहीं करोगे तो आप पैर रखोगे पृथ्वी देवी पे, पृथ्वी देवी है तो पृथ्वी देवी के प्रति अपराध हो रहा है क्योंकि आप भक्ति नहीं कर रहे, पृथ्वी देवी भी सोच रही है पापी मेरे पे बाहर है, और इसलिए प्रभाव। मगर भक्त जो है, भक्त जब चलता है तो भगवान की सेवा के लिए चलता है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं चलता, इसलिए भक्त को अपराध नहीं लगता, मगर जो अभक्त हैं उनको अपराध लगता है, वो भार बनते हैं इस पृथ्वी पर। ये दूसरा तरीका है इस क्वेश्चन के आंसर को देखने।